لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، اس کائنات میں اور دنیا میں ہر انسان کو خوشی و مسرت، سکون و راحت، امن و چین، صحت و تندرستی کے حالات سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور رنج، دکھ، تکلیف، بے چینی و بے سکونی اور بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر طرح کے اتار چڑھاؤ سے، نشیب و فراز سے انسان کو اس دنیا میں گزرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ایسا ہی بنایا. دونوں طرح کی حالتوں میں انسان کو کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، سکون کی حالت ہو، راحت میں ہو، خوشی اور مسرت کی حالت میں ہو، صحت تندرستی اور طاقت کے عالم میں ہو، یا پریشانی، غم و رنج، تکلیف، امراض و بیماریوں سے جوجھ رہا ہو اور ان کا سامنا کر رہا ہو، دونوں حالتوں میں زندگی کس طرح گزارنی ہے. قرآن و حدیث میں انسان کی رہنمائی کر دی گئی ہے، انسان کو بتا دیا گیا ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے اور ہر حال میں، ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی بلائی، نفع ہی نفع اور فائدہ ہی فائدہ. مومن پر جو بھی حالت آئے، اچھی یا بری، راحت والی یا بے آرامی والی، صحت و تندرستی کی سچویشن ہو یا بیماری کی، مومن کے لیے کسی حالت میں بھی نقصان نہیں، ضرر نہیں، نفع اور فائدہ ہی فائدہ. مومن کی حالت کو اللہ تعالیٰ پسند فرما رہے ہیں، اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں، حیرت فرما رہے ہیں. پھر فرمایا کیوں؟ ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له. اگر مومن کو اچھی حالت پیش آتی، خوش کن، خوش کر دینے والی، تو یہ حالت بھی اس کے لیے بہتر ہے، دینی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے انسان کو اچھی حالت پیش آ جاتی ہے،
या दुनिया के एतबार से सेहत मिल जाती है, तंदुरुस्ती मिल जाती है, माल मिल जाता है, दौलत मिल जाती है, खुशहाली मिल जाती है, दुनिया का कोई सबब मिल जाता है, कोई ओहदा मिल गया, अच्छी हालत पेश आ गई, उसमें भी उसके लिए खैर है। इसलिए कि मोमिन उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, रब का शुक्र गुजार बंदा बन जाता है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ मेरे रब का दिया हुआ है। फकाना खैर अल्लाह इन असाबत उसल्ला शकरा, अगर अच्छी हालत पेश आती है खुश कर देने वाली, वो शुक्र अदा करता है, ये भी उसके लिए खैर का सबब है। अल्लाह ताला ने शुक्र गुजारों से जन्नत का वादा किया। वही नासाबत सबरा, अगर मोमिन को बुरी हालत पेश आ जाती है, दुनिया के एतबार से नुकसान पहुंच गया, माल था माल चला गया, दौलत थी दौलत से महरूम हो गया, सेहत और तंदुरुस्ती थी सेहत और तंदुरुस्ती चली गई, बीमारी में मुबतला हो गया, अच्छी हालत से बुरी हालत में चला गया, तो मोमिन इस उतार चढ़ाव में भी सब्र का दामन पकड़ता है। फकान खैरन लहू, मोमिन के लिए इसमें भी फायदा ही फायदा है, नफा ही नफा है, अल्लाह सब्र पर भी उसको अजर देता है, सवाब की उम्मीद रखने पर भी, और अल्लाह ताला की जात से ये उम्मीद रखने पर कि अल्लाह दोबारा हालात पलटेगा, हालात करवट लेंगे, इस पर भी अल्लाह उसे अजर देता है, और अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए भी जन्नत का वादा फरमाया। शुक्र करो तो भी जन्नत का वादा, सब्र करो तो भी जन्नत का वादा। मोमिन को इन दोनों हालतों को इख्तियार करना चाहिए, अच्छी हालत में शुक्रगुजार बन जाना चाहिए, और अच्छी हालत नहीं है तो रब के फैसलों का और तकदीर का रोना नहीं रोना चाहिए। अल्लाह मैं आजमाइश के काबिल नहीं हूँ, मैं इम्तिहान के काबिल नहीं हूँ, मैं फितनों में मुब्तला किए जाने के काबिल नहीं हूँ, और मैं इन परेशानियों को नहीं बर्दाश्त कर सकता, तू इनको हटा दे, दूर कर दे, और अगर तेरा फैसला इन्हीं में रखने का है, या अल्लाह तेरे इस फैसले पर मैं राज़ी हूँ, मर्जी ये मौला अज़हमा औला, मौला की मर्ज़ी सबसे बढ़कर है, वो जिस हाल में रखे उसमें। तो सब्र और शुक्र ये जिंदगी के दो पहिए हैं, जिंदगी की गाड़ी इनके बगैर नहीं चल सकती। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अस्सब्र व शुक्र बईरान, सब्र और शुक्र ये दो ऊँट हैं, मा बालई तो अय्यहुमा रकिबतु, मैं परवाह नहीं करता हूँ कि मैं इन दो ऊँटों में से किस पर सवार हूँ, जिस ऊँट पर सवार होगा मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। शुक्र किया तो भी अल्लाह की तरफ से इनामात, सब्र किया तो भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अजर और इनामात का वादा है। और सब्र और शुक्र इंसान की ज़िंदगी में इतने अहम हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं बड़े जलील कदर, वो फरमाया करते थे अल ईमान निस्फान, ईमान के अगर हिस्से करें तो दो हिस्सों में ईमान को बांट दें, निस्फुन सब्रुन व निस्फुन शुक्र, आधा हिस्सा शुक्र है और आधा हिस्सा सब्र है, ईमान इन दोनों चीज़ों का नाम है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे की तारीफ फरमाई है जो बंदा शक शुक्र और सब्र को मजबूती से थाम लेता है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसलतानि मन कानताफी कतबहुल्लाहु शाकिरन व साबिरा व मन लम तकूनाफी लम यक्तुबहुल्लाहु साबिरन वला शाकिरा। दो आदतें हैं, दो खसलतें हैं, दो चीज़ें हैं, जिस शख्स के अंदर ये दो खूबियाँ, ये दो आदतें, ये दो चीज़ें पाई जाएंगी, अल्लाह तबारक व तआला उसको सब्र करने वाला और शुक्रगुजार बंदा शुमार करेगा, सब्र करने वालों और शुक्र करने वालों की फहरिस्त में उसका नाम लिख देगा। और जिसके अंदर ये दो वस्फ, ये दो चीज़ें नहीं होंगी, न वो अल्लाह की फहरिस्त में सब्र करने वाला शुमार होगा और न शुक्र करने वाला शुमार होगा।
फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत बयान फरमाई, उन चीज़ों को बयान फरमाया। मन नज़र फी दीनिही इला मन हुवा फौकहू, मन नज़र फी दीनिही इला मन हुवा फौकहू फक्तदा बिही, जो दीनदारी के सिलसिले में, शरीयत की पाबंदी के सिलसिले में, अल्लाह के अहकाम पर चलने के सिलसिले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सुन्नतों और तरीक़ों को अपनाने के सिलसिले में अपने से बढ़तर को देखे, अपने से ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार को देखे, अपने से ज़्यादा पारसा और खुदा तर्स को देखे, अपने से ज़्यादा दीन पर चलने वाले को देखे, दीन के सिलसिले में अपने से ऊपर वाले को आइडियल बनाए, अपने से ऊपर वाले को नमूना बनाए और उसकी पैरवी करें। वो फ़राइज़ की पाबंदी करता है, मुझसे फ़राइज़ की पाबंदी नहीं हो पा रही है, कभी दो फर्ज़ें पढ़ ली, कभी तीन पढ़ ली, रोज़ाना पंच वक्ता पाबंदी के साथ मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वो तो पांचों नमाज़ें पाबंदी से पढ़ रहा है, मैं उस जैसा बनूँगा। और जो पंच वक्ता नमाज का पाबंद है तो फिर वो ये देखे, वो पांच नमाजें पाबंदी से पढ़ रहा है, साथ में अगली पिछली सुन्नतें भी अदा कर रहा है, नवाफिल भी अदा कर रहा है, मुझसे तो ये नहीं हो रही। अपने से ऊपर वाले को दीन के सिलसिले में देखे और उसकी पैरवी करे। और फिर ये देखे, वो सुन्नतों और नवाफिल की पाबंदी के साथ साथ उस नमाजों के बाद जो जिक्र और अज़कार हैं वो भी पढ़ता है, मैं तो नहीं पढ़ता, मैं उस जैसा बनने की कोशिश करूंगा। उसके बाद देखिए, वो तो तहज्जुद भी पढ़ रहा है, वो तो सुबह शाम कुरान की तिलावत भी कर रहा है, वो गरीबों की मदद भी, जितना आप इसको फैलाते चले जाएं, दीन के सिलसिले में अपने से ऊपर वाले को आइडियल बनाएं और नमूना बनाएं, फक्तदा बिही, और उसकी पैरवी बनने की, पैरवी करने की कोशिश करें, उसका मुक्तदी बनने की कोशिश करें, उसको इमाम बनाए, उसको उसके पीछे पीछे चले, फक्तदा बिही, दीन के सिलसिले में अपने से ऊपर वाले को देखे। वफी दुनिया हो इला मन हुआ दून हो, और दुनिया के सिलसिले में अपने से कमतर को देखे, दुनिया के सिलसिले में अपने से कमतर को देखेगा तो अल्लाह की अता की हुई नेमतों का कदरदा बनेगा, शुक्रगुजार बनेगा। अल्लाह ने मुझे अपना मकान दिया है, कितने लोग हैं जिनका अपना जाती मकान नहीं है, किराए पर रह रहे, और किराए की बात छोड़ें, कितने बेशुमार लोग ऐसे हैं जो फुटपाथों पर सख्त सर्दी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शब गुजार रहे हैं, रातें वहीं उनकी बसर होती है, अल्लाह का शुक्र है मेरा अपने ज़ाती मकान तो है। कितने लोग हैं जिनको खाने पीने को मयस्सर नहीं है, अल्लाह ताला मुझे तो मुरग़न ग़िज़ाएँ खिला रहा है। कितने लोग हैं जिनको ढंग का पानी पीने का मयस्सर नहीं है, कैसा कैसा पानी पी रहे, उससे बीमारियां फैल रही, ढंग का पानी मैसर नहीं पीने को, अल्लाह ताला ने तो मुझे पानी तो क्या दूसरी चीज़ें भी अता कर रखी है, मशरूबात मीठी पीने की चीज़ें मेरी वसात में अल्लाह ताला ने रखी है। दुनिया के एतबार से अपने से कमतर को देखे, इसलिए कि दुनिया के एतबार से अपने से कमतर को देखेगा तो शुक्रगुजारी का जज्बा दिल में आएगा, अपने से ऊपर वाले को देखेगा तो ऊपर वाले को देखने के बाद जो मौजूदा नेमतें हैं उनकी कदर दिल से निकल जाएगी। अब लखपति हैं तो उनके फलां तो करोड़पति है, करोड़पति बन जाएंगे तो फलां तो अरबपति है, अरबपति बन जाएंगे तो बजाने आगे बिलियनर और मिलियनर और पता नहीं क्या क्या, वो सब दिमाग में आएंगे और वही सोचेंगे, मेरे पास तो एक ही मकान है, उसके पास तो दो तीन है, चार हैं, मेरे पास तो एक शहर में दो तीन मकान है, फला आदमी के तो हर शहर में एक एक प्लाट है, फला है, फिर उसकी कोई हद नहीं, किसी हद पर इंसान नहीं रुकता है, और फिर अपने से ऊपर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, दिल में हसरतें ही हसरतें होंगी, अफसोस ही अफसोस होगा और मौजूदा नेमतों की नाकदरी हो जाएगी। अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी होती है तो अल्लाह ताला नेमतों को छीन लेता है, सलब कर लेता है और महरूम कर देता है नेमतों से। वमन नज़रा फी दुनियाहु इला मन हुवा दूनहु, दीन के एतबार से ऊपर वाले को देखे, दुनिया के एतबार से नीचे वाले को देखे, फहमिदल्लाह अला मा फद्दलहु बिही अलैह, फिर अल्लाह ने जो उसको फौकियत बख्शी है, अच्छी हालत में रखा है, बेशुमार लोगों से बेहतर हालत में रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मौला तेरा शुक्र है मैं बेशुमार लोगों से बेहतर हालत में,
कतबहुल्लाहु साबिरन वशाकिरा, अल्लाह उसको शुक्र करने वाला भी लिखेगा, उसको सब्र करने वाला भी लिखेगा। वमन नज़रा फी दीनिही इला मन हुआ दूनहू, और जो आदमी दीन के सिलसिले में, अल्लाह की फरमाबरदारी के सिलसिले में, शरीयत के सिलसिले में अपने से कमतर को देखेगा। मैं 5 नमाजें तो पढ़ रहा हूँ ना, वो तो जुमा भी नहीं पढ़ता है। और आज अक्सर हमारे लोगों की यही हालत है, अपने से दीन के एतबार से नीचे वालों को देखते हैं और दुनिया के एतबार से ऊपर वालों को देखते हैं। दीन के एतबार से नीचे वाले को देखे, अपने से नीचे वाले को देखे, और दुनिया के एतबार से अपने से ऊपर वाले को देखे। लम यक्तुबहुल्लाहु साबिरन वला शाकिरा, अल्लाह ताला ना उसे सब्र करने वाला लिखेगा न शुक्र गुजार बंदों में उसको शामिल फरमाएगा। तो सब्र और शुक्र ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें। अच्छी हालत आ जाए तो अल्लाह का शुक्र गुजार बन जाए। और अल्लाह का शुक्र क्या है? जबान से भी अल्लाह की नेमतों का इजहार हो, अल्लाह ने मुझे ये इनायत फरमाया है। अमल से भी शुक्र गुजार हो, जबान से तो कह रहे हैं अल्लाह का करम है, अल्लाह का बड़ा रहम है, फजल व मेहरबानी है, सब उसकी नवाजिश है, सब उसकी मेहरबानियाँ हैं, लेकिन अमली एतबार से शुक्र नहीं है। न नमाजों का पाबंद है, न रोज़े का पाबंद है, न ज़कात अदा करने वाला है, न गरीबों का ख्याल रखने वाला है, सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर खर्च कर रहा है, तो ये शुक्र गुजार बंदा नहीं है। शुक्र जबान से भी होता है, शुक्र अमल से भी होता है, शुक्र दिल से भी होता है, कि दिल से हकीकी तौर पर एतराफ़ हो कि मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है, मेरी जिद्दोजहद का नतीजा नहीं है, मेरी अकल समझ और दौड़ धूप और मेरी टेक्निक का नतीजा नहीं है, ये बस अल्लाह ही का करम है। ये दिल के अंदर ये कैफियत हो, बस अल्लाह ही ने दिया है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। और फिर अल्लाह के सामने झुकने वाला, अल्लाह के सामने झुकने वाला हो, और फिर उन नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करने वाला ना हो, ये सब चीज़ें पाई जाएंगी तो वो हकीकी शुक्रगुजार बंदा है। अपने रब का शुक्रगुजार बंदा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कई ऐसी मिसालें बयान फरमाई हैं, और अखीर में ये कहा है कि इसमें सब्र करने वालों के लिए और शुक्र करने वालों के लिए बड़ी इबरत की निशानियां हैं और नसीहत का सामान। सूरह सबा, एक पूरी सूरत उतरी है, कौम सबा एक थी, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नवाजा था, कौम सबा को, उनकी जो ज़मीन थी, उनका जो इलाका था, बड़ा खुशगवार आबो हवा, बड़ी लतीफ़, बड़ी पाकिज़ा, मौसम जो था वो बड़ा बैलेंस वाला, मोतदिल, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, बागात थे, खेत थे, खलियान थे, हरियाली थी, हर तरह की नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा था, हर तरह की नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा था। तारीख में लिखा है, अगर उनका कोई आदमी, कोई किसान सर पर खाली टोकरी रखकर और रस्सी बढ़ते हुए अगर वो बागात से और खेत से गुजरता था, तो रस्सी पूरी नहीं हो पाती थी कि ऊपर फल पके हुए गिरते थे, वो टोकरी भर जाया करती थी। आबो हवा इतनी बेहतरीन के मक्खी, पशु, खटमल, ये परेशान करने वाली जितनी चीज़ें, उनका नाम निशामा नहीं था। हर तरह से अल्लाह ताला ने नवाजा था। और अल्लाह ताला ने कहा, कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम मशकुरू लह, खाओ ये रब का दिया हुआ और रब के शुक्र गुजार बंदे बनो, रब का शुक्र अदा करो। बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर, ज़मीन भी बड़ी पाकीज़ा है, इलाका भी बड़ा अच्छा अल्लाह ने आपको दिया है, नवाजा है, और रब भी बख्शने वाला है, छोटी मोटी ख़ता हो जाएगी अल्लाह माफ़ फरमा देगा, मज़े की ज़िंदगी गुजारो, शुक्र गुजार बंदे बनो। फ़अरज़ू, कुरान कहता है उन्होंने एराज़ किया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, नाशुक्री पर उतर आए। कौम सबा का जो बड़ा सरदार था, उसका बेटा मर गया तो उसने आसमान की तरफ थूका, अल्लाह की नाकदरी की और नाशुक्री की, और नबियों की शान में गुस्ताखी की, बेअदबी के जुमले बोले, और कहा तुम्हारे रब से कहो ये नेमतें ले ले, अगर वो छीनना चाहता तो ले ले, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़ा आई। फअअरज़ू फअरसलना अलैहिम सैलल अरिम वबदलनाहुम बिजन्नतिहिम जन्नतैन ذواتي اكل خمط واذل وشيء من سدر قليل। उन्होंने मुंह फेर लिया हमारे अहकामात से, हमने उन पर सैलाब का अजाब भेजा,
जिसने उनकी सारी चीजों को गर्क कर दिया, डुबो दिया, खत्म कर दिया, और उनके जो बागात थे दोनों तरफ रास्ते के, दोनों तरफ बागात ही बागात, बागात ही बागात, हमने उन बागात के बदले दूसरे दो बागों को बदल दिया। उन बागात में क्या था? उन बागात में था कुछ पीलू के दरख्त थे, कुछ झाओ के दरख्त थे, खारदार बबूल वगैरह, कुछ बेरी के दरख्त थे। पहले जो खुशनुमा बागात थे और दरख्त थे, आंखों को भले लगते थे, वो सब खत्म हो गए। पूरी आबादी रेत के तोते में और टीले में दब गई, खत्म हो गई। अब वहां कुछ खारदार कांटे वाली झाड़ियां जिनको देखने से कुछ खुशी मसरत नहीं, खुशी और मसरत हासिल नहीं होती है, ऐसे वो दरख्त वहां उग आए। वातलिम वशैइन मिन सिदरिन क़लील, अल्लाह क्या फरमा रहे, ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू, ये हमने उनकी हालत क्यों बदली, ये इस वजह से कि उन्होंने नाशुक्री की। कुफर का मतलब होता है नाशुक्री करना, उन्होंने ना कदरी की। ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू वहल नुजाज़ी इल्लल कफूर, और हर नाशुक्रे और ना कदरे को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं जिस तरह कौम सबा को दिया है। और आगे भी कुछ तस्करा है उनकी आबादियां किस तरह की थी, अल्लाह ने कितना नवाजा था कि अगर कोई पैदल सफ़र करता था, अगली मंजिल जहां भी होती थी वहां कोई ना कोई बस्ती होती थी, इंसान होते थे, कहीं डर वहशत और खौफ का नाम भी नहीं था। इस तरह करीब करीब बस्तियां थी कि अगर आदमी एक जगह पड़ाव डालकर अगली जगह पड़ाव का इरादा रखता था, वहाँ कोई ना कोई बस्ती नज़र आती थी। कहने लगे ये सब मिली जुली बस्तियाँ, जंगल बयाबा नहीं है, हमको मज़ा नहीं आता, कुछ खुला होना चाहिए। वक़द्दर नाफिया सैर सी रुपिया लयालिया वयामन आमिनी, या अल्लाह ने बयान किया, फिर आखिर में कहा इन्नफी ज़ालिका लआयातिल लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, कौम सबा के दी हुई नियमतों में फिर उसकी नाकदरी करने में और फिर उस पर हमारा जो अजाब आया, इसमें बड़ी निशानियां हैं, बड़ी इबरत की चीज़ें हैं, बड़ी नसीहतें हैं उन लोगों के लिए जो सब्र करने वाले हैं, जो शुक्र बनना चाहते हैं, शुक्रगुजार बंदे बनना चाहते हैं। एक बंदे को दोनों हालतों को इख्तियार करना चाहिए, इसलिए कि दुनिया हालात का नाम है, हालात अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। और उस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने जो नमूना रखा है कुरान में, वो हज़रत अय्यूब का नमूना हमारे सामने रखा है। वज़कुर अब्दना अय्यूब, ए नबी आप अपनी उम्मत को, इंसानों को मेरे बंदे अय्यूब का नमूना पढ़कर सुनाइए, इनको बताइए। हज़रत अय्यूब का वाकया बड़ा तफसील के साथ हमें मुख्तसरन उसको बयान करना चाहता हूँ। हज़रत अय्यूब को अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों हालतों से गुजारा, अच्छी हालत से भी और बुरी हालत से भी, और दोनों हालतों में रब से कनेक्शन और रब से ताल्लुक उनका नहीं कटा। इसलिए नमूने के तौर पर, आइडियल के तौर पर उम्मत के सामने उनको पेश किया गया है। नबी मेरे बंदे अय्यूब का तज़किरा आप अपनी उम्मत को सुनाइए। हज़रत अय्यूब को अल्लाह ताला ने पहले खुशहाली अता फरमाई थी, माल अता फरमाया था, दौलत अता फरमाई थी, उस इलाके में उनसे बढ़कर मालदार, खुशहाल, अल्लाह की तरफ से नवाजा जाने वाला बंदा उनसे बढ़कर कोई नहीं था। बड़ी फैमिली थी, घर आबाद था, कहते हैं 7,000 उनकी भेड़ बकरियां थी, 3,000 ऊंट थे, 1,000 बैल थे, और 500 बोझ उठाने के वाले गधे और खच्चर वगैरह, ये सारे इंतजाम थे, नौकर चाकर थे। यस, इतनी खुशहाली वाली जिंदगी थी। हालात ने पलटा खाया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश आ गई। और तौरात में लिखा है कि शैतान ने हसद और जलन की वजह से कहा, ए परवरदिगार आप अय्यूब की तारीफ करते हैं इसलिए कि वो आपका शुक्र कर रहा है, शुक्र तो करेगा ही जब इतनी सारी नेमतें उसको मिली हुई है, उसके ऊपर हालात आए, आजमाइश आए, फिर भी वो तेरा शुक्र करे, तब मानो कि हाँ वो तेरा खास बंदा है। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, हम ये भी दिखा देते हैं। हालात ने पलटा खाया, नौकर चाकर सब मार दिए गए, जानवर लूट लिए गए, उनके 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी, किसी दावत में किसी मकान में थे, वो छत गिरी और वो सब वहीं हलाक हो गए। पूरे खानदान के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। उनके ऊपर ये आजमाइश आई कि सब कुछ लूट लिया गया, ख़त्म कर दिया गया, पैर की तलवे से लेकर माथे के सर के बालों तक पूरे छाले आ गए,
ये फोड़े फुंसी हो गए और इतने खतरनाक कि उसको हाथ से खुजा नहीं सकते थे। एक ठीकरा लेते थे, उसको ऊपर आस्ता आस्ता फेरते रहते थे, राख पर बैठे रहते थे, उसको डालते रहते थे। ऐसी आजमाइश में अल्लाह ताला ने मुब्तला कर दिया। सिर्फ एक वफादार बीवी साथ रह गई जो इधर उधर मेहनत मशक्कत करके उनकी खिदमत करती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये हालात पलटाए हैं तो उन्होंने हाथ उठाए, परवरदिगार मैं दुनिया में आया था इस हाल में कि बरहना था, नंगा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था और इस दुनिया से जाऊंगा तब भी ये बरहना कैफियत होगी, हालत होगी, साथ कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। तूने दिया था सब कुछ, तेरा अता किया हुआ था, तूने अब महरूम कर दिया, छीन लिया है। मैं तेरे इस फैसले पर राजी हूँ, मैं इस फैसले पर राजी हूँ। मर्जी मौला अज़हमा औला, मेरे मौला की मर्जी और फैसला सबसे बढ़कर है, मैं इस पर राजी हूँ। बीवी ने कहा हालात पलट जाएं इसके लिए दुआ कर दो। कहा मेरा रब इस हाल में रखना चाहता है तो मैं इसी हाल में राजी हूँ और खुश हूँ। तकरीबन 17 साल रिवायात में आता है, तारीख की रिवायात में, तारीख की किताबों में, इसी आजमाइश में रही। फिर एक दिन एक हाथ उठा लिए, अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, ए मेरे परवरदिगार मुझे तकलीफ पहुँची है। ये तो तकलीफ पहुँची थी, एक और तकलीफ, एक वाकया पेश आया था, चूँकि वक्त नहीं है, वो ज़्यादा उसमें शिर्क वाला कोई मामला था, शिर्क वाला, और नबी दुनिया की किसी भी परेशानी को बर्दाश्त कर सकता है, शिर्क ईमान के एतबार से नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो वाकया थोड़ा है, इस वजह से वो मैं मुख्तसर कह रहा हूँ। वो मामला पेश आ गया था, उस वक्त हाथ उठाए, परवरदिगार हालात ऐसे आ गए कि अब ईमान और अकीदे पर डाका हो रहा है, उससे महरूम करने की कोशिश की जा रही है, अब मुझे तकलीफ पहुँची है, तू बड़ा रहीम है, बड़ा रहम फरमाने वाला है, अब तेरे सामने इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, मैं आजिज़ हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं परेशानी में हूँ और तू सखी है, तू हालात को पलटने वाला है। अल्लाह ताला ने कहा अय्यूब हमने तुम्हारी पुकार को सुन लिया, उनको मेरी जिले का हादा मुख्तसल बारिद व शराब, अब पैर मारो, तुम पैर मारोगे वहाँ से चश्मा निकलेगा, बिल्कुल ठंडा भी होगा, खुशगवार पीने के लिए बेहतरीन होगा, इससे गुस्ल करो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला ने ये मौजज़े के तौर पर जाहिर फरमाया, उससे गुस्ल फरमाया, सारी परेशानियां ख़त्म। वा आतैनाहु अहलहु व मिसलहु माहुम रहमतम मिन इंदिना, फिर हमने पहली जो हालत थी उससे बेहतर हालत अय्यूब को अता फरमा दी, पहले से ज़्यादा माल, पहले से ज़्यादा औलाद, पहले से ज़्यादा खुशहाली, और उसको कुरान में बयान फरमाया, कई जगह बयान फरमाया है, और ईमान वालों के सामने नमूने के तौर पर रखा है, तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना मेरे बंदे अय्यूब का है, उसकी ज़िंदगी है, अच्छे हालात में ले आऊँ, बुरे हालात ले आऊँ, सब मेरी तरफ से हैं, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। ए नबी कह दीजिए अपनी उम्मत से, ये कह दें, ये ऐलान कर दें, अच्छे या बुरे हालात जो कुछ भी हैं वो सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की इज्न व इजाज़त के बगैर कोई ना नफ़ा पहुँचा सकता है न नुकसान पहुँचा सकता है। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, वो हमारा सरपरस्त है, हमारा मौला और आका है, और ईमान वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। तो ईमान वाला बंदे खुदा अय्यूब का नमूना सामने रखता है। अल्लाह पाक हम सबको आफियत में रखे, ये अल्लाह से दुआ करते रहने चाहिए, आफियत में रखे, अच्छी हालत में रखे, हम आजमाइश के काबिल नहीं हैं, अल्लाह अच्छी हालत में रखे और उस पर हम शुक्र अदा करते जाएं। लेकिन अगर रब का फैसला हो जाए, रब की मर्जी यही हो कि आजमाइश आ रही है, बीमारी आ रही है, कमजोरियां आ रही है, माल और दौलत में कमी आ रही है, रब से मांगना चाहिए आजमाइश के काबिल नहीं है, इससे निकाल दे, लेकिन अगर तेरा इसी में रखने का फैसला है तो हम इस पर भी सब्र करेंगे और तुझसे मांगते रहेंगे। ईमान इसी का नाम है, आधा ईमान शुक्र का नाम है, आधा ईमान सब्र का नाम है। अल्लाह हमें दोनों को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।